सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में ही लगे बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच सके। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने फेसबुक में इंस्टाग्राम को ऐड किया और उसे हटाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्कैप के स्टेप बाई स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको भी इंस्टाग्राम फेसबुक में से इंस्टा को हटाना है तो फेसबुक ऐप को ओपन करनी होगी। ओपन करते ही ऐसा एंटर पे जा जाएगा। यहाँ पर इंस्टाग्राम को हटाने के लिए 3 लाइन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही ऊपर की तरफ सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे सेटिंग पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने ऐसा एंटर पे जा जाएगा, एक ऑप्शन है क्या प्रोफेशनल डिटेल्स का, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऐसा एंटर पे जा जाएगा, नीचे की तरफ आना एक ऑप्शन है का अकाउंट्स का, अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऐसा एंटर पे जा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके नीचे की तरफ इंस्टाग्राम का अकाउंट रहेगा, यहाँ पर इंस्टाग्राम का लोगो आएगा तो वो इंस्टाग्राम का अकाउंट रहेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए रिमूव वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक ऑप्शन है रिमूव अकाउंट का, इस पर क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद में यस रिमूव जो भी आपके आईडी रहेगी वो नाम आ जाएगा, उसके बाद में ओके पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका ऐप जो भी इंस्टा अकाउंट रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार आप भी फेसबुक में से अपने इंस्टा को हटा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट करना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।